हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। क्या कह रहे हैं वो देखिए। एक 75 मीटर क्या है, ये क्या है, लाइट हाउस। क्या है, लाइट हाउस, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, सी लेवल ये क्या है हमारा, सी लेवल, ठीक है, सी लेवल से 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे कौन से होती है, ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे कौन से होंगे, ये कितना है हमारा 30 डिग्री, ठीक है, और ये कितना है 45 डिग्री, ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, और अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। समझ आया स्टूडेंट्स, चलिए जी, पी क्यू ये क्या है शिप, अब वो क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप, ये क्या है शिप वन, और ये क्या है बी पे शिप टू। ठीक है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये सपोज इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, कैसे करेंगे, लेट पी क्यू बी ए लाइट हाउस, पी क्यू क्या है हमारा, लाइट हाउस है, सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू 75 मीटर। ठीक है, टू शिप्स आर एट पॉइंट A and B such that B is behind A। ठीक है, हमने क्या कहा कि A और B दो शिप्स है इस तरीके से कि B A के पीछे है। Let distance between two ships A and B, ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए बी है, उसको हमने मान लिया एक्स मीटर। समझ आया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन अब वो क्या कह रहा है, ठीक है, मान लीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दे रखे है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री गिवन है। ठीक है, सपोज कीजिए P और हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए N, ठीक है, पी एन इज पैरेलल टू बी क्यू सच दैट एन पी ए एंगल एन पी ए इज इक्वल टू, जो ये एन पी ए है दैट इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू 30 डिग्री एंड एंगल एन पी एन पी सॉरी सॉरी एन पी ये बी है सॉरी एन पी बी हमारा पी बी क्यू के इक्वल हो गया, और एन पी ए हमारा किसके इक्वल हो गया, पी ए क्यू के इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करते हैं इसको, सबसे पहले इन ट्रायंगल
पी ए क्यू, पी ए क्यू में थीटा कितना है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी, पी कितना है पी क्यू और बी कितना है ए क्यू, पी क्यू कितना है 75 और ए क्यू हमें नहीं पता। टेन 45 वन होता है 75 बाई ए क्यू, तो यहाँ से क्या निकल के आया ए क्यू इज इक्वल टू 75। तो यहाँ से हमारा ए क्यू क्या निकल के आया है 75, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ए क्यू इक्वल टू 75। तो अब हमने ए क्यू निकाल लिया, अब हम क्या निकाल लेंगे इंट्रेंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है पी बाई बी के, पी कितना है पी क्यू, बी कितना है बी क्यू, पी क्यू एज इट इज, बी क्यू क्या है बी ए प्लस ए क्यू, ठीक है। तो देखिए टेन थीटा यानी टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 75, बी ए कितना है एक्स और ए क्यू हमने कितना निकाला है 75, ठीक है। टेन 30 किसके इक्वल होता है 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन एक्स प्लस 75। समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर क्या आ जाएगा एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3, ठीक है। 75 को इधर ले आइए, ठीक है स्टूडेंट्स, सोल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन। रूट थ्री की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। क्या गया 54.9, ठीक है। तो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 54.9 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखना है, ठीक है, ऐसे फिगर बनानी है, सारा कुछ एक्सप्लेन करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।